कंप्लीटेड। 2 घंटे का वॉक हो चुका है और इतना सुकून लगता है यार यहाँ पे आकर बैठने में। मम्मी को देखिए कितनी ज्यादा ठंडी लग रही है, सारा ठंडी मम्मी को ही लग रहा है अभी। मुझे तो वैसे ही बहुत कम ठंडी लगती है, इसलिए सारा ठंडी भी मिली है। और ये मैंने पापा का टी शर्ट वेयर किया है, मैं जब भी यहाँ वॉक करने के लिए आती हूँ पापा का कोई भी टी शर्ट पहन के निकल जाती हूँ, क्योंकि बहुत कम्फर्टेबल रहता है, आप लोगों को तो पता ही होगा। और यहाँ पे अभी सामने लेक से थोड़ी दूरी पे मैं बैठी हुई, यहाँ पे बहुत सारा अच्छा बैठने को बनाया है। मैंने आपको गलत बोला था कि एक राउंड लेने में 15-20 मिनट लगते हैं, आधे घंटे से ऊपर लगते हैं एक राउंड लेने में, अगर इसको पूरा राउंड लिया जाए तो। ये इतना ज़्यादा यूज़ है ये तो। बस अभी थोड़ा सा थक गए हैं, 5 मिनट का रेस्ट लेंगे, उसके बाद फिर घर के लिए निकलेंगे। तो मैं ये घर से बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, ऑलमोस्ट 5 मिनट की दूरी पे है हम लोगों के घर से, तो बहुत कंफर्टेबल हो जाता है मॉर्निंग वॉक के लिए। पटना में तो जा नहीं पाती हूँ क्योंकि बच्चे को छोड़ के किसके पास जाऊँगी सुबह सुबह, बट यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं तो चल जाता है, तो इसीलिए आते हैं सुबह में। आप लोगों को तो पता है मुझे सुबह में उठने की आदत है, और ये सुबह में इतना सुकून लगता है मॉर्निंग वॉक करके कि क्या ही बताऊँ। बस थोड़ी देर बाद हम लोग निकलेंगे यहाँ से, है ना। ये रहा सामने लेक, बहुत सारे लोग इसमें मछली मतलब लेने के लिए आते हैं, मछली इसमें बहुत सारी है, बहुत सारा स्नैक भी है। हम लोग बैठे हैं ऐसे सामने, ऐसे बहुत अच्छा बनाया हुआ है यहाँ जगह जगह, आप देख सकते हैं यहाँ पेड़ पौधे बहुत ही ज़्यादा है और काफ़ी पुराने पुराने पेड़ पौधे हैं। तो बस थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे यहाँ पे रेस्ट करने के बाद। मैं नज़दीक से लेक दिखा रही हूँ, ये देखिए कितना सुंदर है ना, कितना बड़ा है, बहुत दूर तक है। यहाँ पे बहुत सारे आपको पंछी देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत यूज़ पेड़ पौधे हैं, बहुत ही ज़्यादा। आपका जहाँ तक नज़र जाएगा आपको पेड़ पौधे दिखेंगे ही दिखेंगे। हम लोगों ने भी आधा रास्ता तय किया है, अभी आधा रास्ता बाकी है। ऐसे राउंड होके वो उस साइड से घूमते हुए पूरा मैं ऐसे करके फिर आना है हम लोगों को, तो अभी बहुत सारा घूमना है। क्लियरली कि नहीं, बट देखिए इसमें कितना बड़ा स्नैक है, और यहाँ एक नहीं अनगिनत स्नैक है, देखिए कैसे चल रहा है। और बहुत सारे स्नैक है इसमें, और बहुत सारा फिश भी है। मुझे लगता है कि ये लोग उस लोगों को खा कर ही जीवित रहते हैं। देख रहे हैं कितना बड़ा है, मैंने अभी 2-4 अभी इससे बड़े बड़े देखे, बट वो कैप्चर नहीं हो पाया, तो मैंने सोचा कि रुको इसे दिखाती हूँ, घुस गया। मैंने कितना बड़ा स्नैक था, और ऐसे अनगिनत स्नैक है यहाँ। हम लोग जब वॉक करते हैं ना तो वॉक करने पे कम ध्यान रहता है, उन लोगों को देखने पे ज़्यादा। वो जो छोटी छोटी मछलियाँ नहीं होती है उसको वो लोग खाते हैं, और उसके अंदर बहुत सारे लोग भी नहाते हैं भी मॉर्निंग में, बट वो लोग देखते हैं कि जहाँ पे वो लोग नहा रहे हैं तो वहाँ से वो लोग घूम जाते हैं, उन लोगों के पास नहीं जाते। नॉर्मली स्नैक्स क्या करता है कि काटता है अगर इंसान को देखता है तो, बट वो लोग वहाँ पर जाते ही नहीं है। तभी हम लोग बोले कि यार इतना निडर हो कि कैसे कोई वहाँ पर नहा रहा है, लेकिन हाँ वो लोग सिर्फ मछली खाने के लिए इधर उधर घूमते हैं। तो फाइनली कोई डर नहीं है, लेकिन देख के यार डर तो लगता ही है ना, भले चाहे वो काटे या ना काटे, सांप सांप होता है तो क्या ही कर सकते हैं। खैर आप लोगों ने देख लिया, अभी हम लोग अपना घूमने पे कंसंट्रेट करते हैं। ये देखिए कितना सारा कबूतर का बाजार लगा हुआ है, यहाँ पे दाना डाला गया है इसलिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब, वेलकम बैक आरपी लाइफ ब्लॉग, स्वागत है आपका मेरे नए मेरे चैनल में। और आज ये नया ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ, देखती हूँ पूरा दिन कैसे जाता है। और आपकी ताज़ा खबर आज की ये है कि गैस खत्म हो चुका है, मॉर्निंग वॉक करके आई हूँ, चाय पीने का क्रेविंग है, आपको पता ही, मैं सुबह में ज़रूर चाय 1 कप लेती हूँ, बट अभी गैस खत्म है तो उसी के जुगाड़ में लगे हम लोग, गैस आए देन चाय बनेगा। देखते हैं कैसा आज का पूरा दिन निकलता है, या फिर ये ब्लॉग आज खत्म होगा कल खत्म होगा, जैसे कि आपको पता है कि कंटिन्यू भी मैं कर देती हूँ, देखती हूँ कैसे क्या होता है। और मुझे मूवी देखने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, बहुत दिनों से मैं मूवी देखने नहीं गई हूँ, तो थोड़ा बहुत सोच रही हूँ, देखती हूँ कि जा पाती हूँ कि नहीं, क्या है कैसे है, आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा, तो बने रहिए। और पहले चाय पीते हैं, बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है क्योंकि 4 बजे का उठी हूँ, ऑलमोस्ट 8 बजने वाले हैं, और आपको पता है कि दिन की शुरुआत मेरी बिना चाय और पेपर की नहीं होती है, तो पहले सबसे पहले चाय, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। फाइनली चाय और बिस्किट जुगाड़ होके गैस आ गया, पापा ने मंगा लिया गैस, और अभी मैं अपना चाय और बिस्किट इंजॉय करूँगी, इसके बिना तो मेरा मॉर्निंग एकदम अधूरा है। तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद, पहले अपना चाय बिस्किट इंजॉय कर लूँ उसके बाद। जरूरी
वो जरूर बोलते हैं। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग नमक और सरसों तेल इसमें लगा के और बचपन में बहुत खाया करते थे, तो मैंने सोचा कि चलो अभी दूध बिस्किट खा रहा था, रोटी था, तो मैंने बोला कि चलो इसको दूध रोटी खिलाते हैं। तो खाने के साथ इसका एक्सप्रेशन देखे ना कि कैसा लगा। ऐसे ही खाया जाता है तो जल्दी जल्दी खा लेते हैं, समझ में आया। चलो बंद कर दो, हो चुका है हम लोगों का। और पापा को चूँकि ड्यूटी जाना है, पापा 10:30 बजे तक ड्यूटी निकल जाते हैं और 9 बजने वाले हैं, तो नाश्ता ही बनाया जाए। तो मैंने ऑलमोस्ट सब्जी तैयार कर लिया है। मम्मी यहाँ पे आटा गूंध रही है, वो भी गूंध के रेडी हो चुका है। तब रोटियाँ बनाएंगे हम लोग, सब्जी बन चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस चीज़ का सब्जी बनाया है मैंने। ये आलू, बैंगन, सेम, कुम्भड़ा और बड़ी है, इसकी सब्जी है। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, अगर इसमें आप चना डाल दोगे तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। मुझे तो ये मिक्स सब्जियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस इसकी सब्जी रेडी हो चुकी है और अब रोटियाँ बनेगी गर्मा गर्म, पापा को दिया जाएगा, खा के थोड़ा रेस्ट करेंगे, देन वो काम के लिए निकलेंगे। भाई भी आजकल थोड़ा जल्दी निकल रहा है, नया स्टोर है तो वो बोल रहा है कि थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा, तो बस वो भी निकलेगा एक डेढ़ घंटे में। तो नाश्ता पहले रेडी करते हैं। मम्मा आज इसको काजल लगाऊंगी मैं, काजल लगाना है ना, दीजिएगा काजल, ऐसे बड़ा सा करके, ऐसे इतना चौड़ा करके भूत बना दूंगी। भैया को डराने के लिए। हम लोग रेडी हो चुके हैं मूवी देखने जाने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आज मूवी देखने का प्लान, मतलब मन कर रहा है, तो मैंने प्लान भी बना लिया और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मूवी देखने जा रही हूँ। बट ये खुशी अब उतनी नहीं है जितनी थी। क्यों नहीं इतनी ज़्यादा खुश हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ है, क्यों मैं बता रही हूँ। इसको देखिए, इसका फेस देखिए, आपको अगर देखेंगे ना तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको थोड़ा सा फूला हुआ दिख रहा होगा, और यहाँ सर के साइड में ये देखिए छोटा सा, देख रहे हैं, इसको छूने तक नहीं दे रहा है, बट इसको मूवी देखने जाना है। और इसकी जिद से मैं जा रही हूँ इसको लेके, वरना मैं लेके नहीं जाने वाली थी। थोड़ी देर पहले अभी सडनली इसको, क्यों मैं बोलती हूँ कि इतना ज़्यादा बदमाशी, बिना मतलब के दौड़ते रहता है, बिना मतलब के। और स्टील का पलंग है, पलंग का वो जो ऐसे चौड़ा करके बना हुआ था, पता नहीं क्या इसको बिना मतलब का बेचैनी था, वहाँ से दौड़ा और सडनली मतलब जाके उसमें टकरा गया। ये तो बोलिए कि इसका आइस जो है वो बच गया। और अभी भी मम्मी बोल रही है कि हल्दी और चूना का घोल गर्म करके छाप देती हूँ, ताकि वो जो खून अगर जम गया होगा तो फट जाएगा, बट नहीं, चिल्ला चिल्ला के रो रहा है खूब जोरों से कि मुझे जाना ही है। तो ना चाहते हुए भी इसको मैं लेके जा रही हूँ, इसलिए मैं बोल रही थी कि जितनी ज़्यादा मैं खुश थी अभी वो खुशी कम हो चुकी है। और अभी हम दोनों और बड़ा वाला बेटा जो रिकॉर्ड कर रहा है, वो हम तीनों ही जा रहे हैं। मम्मी नहीं जा रही है क्योंकि पापा का दोपहर वाला ड्यूटी है, तो हम लोगों का शो है आई थिंक 1:15 या 1:30 बजे का, और पापा 2 बजे आएंगे, फिर लंच वंच कैसे करेंगे, इसलिए मम्मी आज नहीं जा रही है। बट हम लोग नेक्स्ट टाइम ज़रूर मम्मी भाई वही सब जाएंगे साथ में, और आज हम लोग बस इतने 2-3 जन जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं मूवी देखने। वैसे हम लोग दृश्यम मूवी देखने जा रहे हैं, मूवी कैसा है क्या है वो तो देखने के बाद पता चलेगी, तो उसका रिव्यू मैं आपको बताऊंगी ज़रूर, तो बने रहिए इस ब्लॉग में। चलिए चलते हैं, चलो और हम लोग थिएटर में सबसे पहले पहुंच गए थे, तो मैंने रिकॉर्ड करके दिखाया कि देखिए नज़ारा। ये लोग ना सोचिएगा कि दृश्यम मूवी चलने रही है अच्छी खासी, मतलब इतने दिनों बाद हम लोग देखे, फिर भी भीड़ ठीक थी, सीट भरे हुए थे। सीट पूरा खाली है अभी।
अच्छा बना है। बहुत ही अच्छा था, एक फैमिली मैन की बोल सकते हैं कहानी है दृश्य मूवी। शॉर्ट में अगर बोलूँ तो अच्छी मूवी, आपको बांध के रखती है कहानी, मतलब बांध के रखती है, अच्छी है मूवी। बहुत दिनों बाद ऐसा मतलब साफ सुथरा मूवी देखने को मिला तो अच्छा लगा। और अभी बेटा को मैंने भेज दिया है मम्मी के साथ आने के लिए, वो थोड़ी देर के बाद मम्मी के साथ आएगा। बाहर हम लोग निकले ही थे तो बेटा भी गया था, पापा उसको थोड़ा वॉशरूम वगैरह भी जाना था, थोड़ा फ्रेशनअप भी होना था तो मैंने भेज दिया, वो गया है। अभी मम्मी के साथ आएगा तो बगल में पार्क है तो उसको भी घुमा दूँगी, फिर से बाहर निकला ही है तो बस हम लोग अभी यहीं हैं और थोड़ी देर के बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे, कुछ खाए होंगे उसको भी खिलाएंगे। तो चलिए पहले बाहर चलते हैं और क्या आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ से अभी सूरज अस्त होने वाला है उसका व्यू। ये देखिए सूरज भगवान जी जा रहे हैं अब टाटा बाय बाय करके हम लोगों को यहाँ से। मूवी तो देख ली हम लोगों ने ज़्यादा कुछ खाया नहीं था इंटरवल में, सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक्स ही लिया था, काफ़ी ज़्यादा महंगा था भाई यहाँ पे, तो हम लोगों ने ज़्यादा कुछ खाया नहीं और हम लोगों को भूख लगी थी क्योंकि हम लोगों ने लंच नहीं किया था। अब तो 1:30 बजे से मूवी स्टार्ट हो रही है तो कब आदमी लंच करेगा, तो ब्रेकफास्ट करके ही निकल गया था। तो हम लोगों ने सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स ली थी और अभी 4:30 हो रहे हैं तो भूख लग चुकी है, तो मैंने बेटा को बोला कि जा तू समोसा लेके आ, समोसा खाने का मन कर रहा है। और मम्मी को मैंने कॉल कर दिया है कि आप निकल लो थोड़ी देर में, मम्मी बोली कि ठीक है मैं फ्रेश वगैरह होके आ रही हूँ। तब तक मैंने बेटा को बोला कि जा तब तक हम लोग थोड़ा पेट पूजा कर ले क्योंकि हम दोनों को ही भूख लग चुकी है, हम दोनों ही बाहर थे और कुछ खाया नहीं था। बेटा तो चला गया तो वो कुछ खा लिया होगा बट हम लोगों ने नहीं खाया था तो ऑब्वियसली भूख तो लगेगी ना, सुबह 9 बजे का खाया हुआ तो आप समझ सकते हैं। तो बस उसके बाद थोड़ा बेटा झूला वाला झूलने के लिए बोल रहा था क्योंकि वहाँ तो सिर्फ मूवी देखा, वहाँ तो झूलने के लिए कुछ नहीं था, तो मैंने बोला कि ठीक है भाई अब बाहर निकले ही हैं तो चलो बगल में घर पहुँच जाते हैं, उसके बाद चलो तुमको हम पार्क में भी घुमा देंगे। तो ज़्यादा दूर नहीं है घर से थिएटर भी, और पार्क तो मैंने आपको जैसे कि पिछले ब्लॉग में बताया था कि घर से एकदम 5 मिनट की भी दूरी पे नहीं है, इतना बड़ा लेक और इतना बड़ा गार्डन पार्क, मतलब हर चीज़ है। तो बस मैं वहीं ऐसे घूम रही हूँ, सामने ऐसे जो सीधा रोड जाएगा ना ये यही रोड एकदम सामने है पार्क, तो मैं वेट कर रही हूँ बेटा का, वो आएगा देन मम्मी वम्मी भी आ रही है तो बस हम लोग चलेंगे थोड़ा वो लोग झूला वाला झूलने फिर हम लोग घर चलेंगे। फिरना हो चुका है और हमारी टोली चली अब वापस घर, दोपहर के निकले हुए, अब इतना अंधेरा हो गया है, शाम के 7 बज चुके हैं तो चले अब घर, है ना, मजा है ना, झूला झूले ना अच्छे से। हाँ चलो इसे अभी वेफर्स लेना है तो मैंने बोला ठीक है चलो बाहर चल के दिला देती हूँ। तो चलिए चलते हैं घर, बहुत इंजॉय कर लिया, बहुत मज़ा आया, पूरा दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। ये चोट लग जाएगी, चलिए अब चलते हैं घर। मॉर्निंग, अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा है क्योंकि सुबह के सिर्फ 5 बज रहे हैं और मैं नहा चुकी हूँ, घर का काम भी हो चुका है और जैसा कि आपको मैंने बताया ब्लॉग में कि मैं डेली 2 घंटे का मॉर्निंग वॉक करने जाती हूँ, तो बस अभी निकल पड़ी हूँ। पीछे मम्मी को भी मैंने उठाया कि चलो यार अकेले थोड़ा बोर लगता है और क्या, तो मम्मी वैसे वॉक करेगी या फिर जाकर बैठती भी पार्क वगैरह में, लेकिन मैं तो वॉक करती हूँ बस, साथ में मम्मी को ले जाती हूँ, कोई बेटा भी चला जाता है, कई भाई भी, तो बस चलिए चलते हैं हम लोग वॉक कर। हाय एवरीवन, कैसे आप सब। मैं नेक्स्ट डे डायरेक्ट शाम को आपसे मिल रही हूँ। मुझे मॉर्निंग में थोड़ा लो फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि फीवर जैसा लग रहा है, अभी भी उतना ज़्यादा ठीक नहीं है बट अभी मुझे कुछ काम था, जैसे कि एक बैग का चैन ख़राब हो गया था उसको बनवाना है, और मैंने एक शूज़ ख़रीदा था पूजा के टाइम, तो उसके जो शूज़ जो वहाँ पे पैर डालते हैं जहाँ पे अंदर में, तो एक तो कब खोल जैसा कुछ नहीं रहता, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, वो ख़राब हो गया था तो उसे भी चेंज करवाना था। तो मैंने सोचा कि चलो करवा लेती हूँ, पूरे दिन तो कहीं गई नहीं, कुछ सूट नहीं किया, तो अभी भी उतना बेटर फील नहीं लग रहा है बट चलो ठीक है। अभी जब बच्चों लोग को लेकर जा रही हूँ साथ में, थोड़ा इन लोगों को भी थोड़ा पार्क में घुमा दूँगी और अपना भी काम करवा लूँगी, थोड़ा मन बाहर निकलने से शायद थोड़ा ठीक लगे, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं। हम मम्मी यहाँ है, बेटा यहाँ है और बड़ा वाला बेटा आ रहा है, उसी का वेट कर रहे हैं हम लोग। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं।
ये देखिए ये दोनों झूला रहा है वो उसको, वो झूल रहा है, उन लोगों को पता नहीं है कि हम लोग यहाँ आ भी गए हैं। देखिए कितने आराम से एकदम गजब ना। कि हम लोगों को दुकान मिल ही नहीं रहा था बैग और शूज़ के लिए, तो हम लोग बोले कि बच्चे को कितना देर घुमाएंगे, तो थोड़ा दूर आ गए थे, तो मैंने बोला कि बगल में ही जो छोटा वाला पार्क है उसमें लेके जा, तब तक उसको ले जाके झूलने दो, झूलने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग अब तक ढूंढते हैं अगल बगल, और वो लोग जैसे आया हम लोगों को दुकान दिख गया, तो हम लोगों ने वहाँ दे दिया है। अपना शूज़ भी जो मुझे लगवाना था वो नीचे पैर नहीं दर्द करने लगता है वो वाला, और चैन के लिए भी, तो वो बोले कि आइए 5-10 मिनट में घूम के, मैं तब तक बना के रखता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है आप रखिए, तो मैं यहाँ पे आ गई। और देखिए अभी वो देख रहा है मुझे, बड़ा वाला बेटा अभी देखा, उन लोगों को पता नहीं था कि हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो थोड़ी देर रुकते हैं, वो झूल लेता है, थोड़ा खुशी हो जाए उसके मन, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। आ रहा है, देखिए आपको दिखाती हूँ। मजा आ रहा है ना, ये बहुत ही ज़्यादा छोटा पार्क है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक इसके सामने में भी एक पार्क है, बट आज वो पता नहीं क्यों बंद है। अरे बहुत ही ज़्यादा छोटा पार्क है, बट बच्चों के लिए हाँ थोड़ा बहुत ऐसे बनाया हुआ है, इसी में ये इंजॉय कर रहा है, तो मैंने बोला कर ले भाई। क्या देख रहे हो, आ गया है झूला झूलते, और हम लोग दुकान पे अपना सूझ लेना, तो दुकान वाले बाबा ही गायब हैं, तो बैठे हैं हम लोग अगल बगल गए होंगे, देखते हैं आते हैं तो अपना सामान रिसीव करेंगे। वैसे तो रखा हुआ है बैग यहीं पे, बट आते हैं, उनको पेमेंट भी तो करना है। ये वाला लगाना था मुझे, मोटा वाला लगाना। कैसा है? इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है मन, तो होप आपको अच्छा लगा, तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।